सेकंड इन कमांड निरीक्षक संतोष कुमार आर्य जोशी ने कमांड पर अलाइनमेंट पर लाया जा रहा है। राष्ट्र हितों पर व्यक्ति हितों को करना कुर्बान जरूरी है। भाई भाई सब भारतवासी कोई कनिष्ठ या ज्येष्ठ नहीं, जाति धर्म और संप्रदाय मातृभूमि से श्रेष्ठ नहीं। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं जवानों का तारतम्य, इनके कठिन परिश्रम और राज्य व देश हित में मर मिटने की भावना को परिदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर एक आभार पर एक सेकंड इन कमांड कमांडर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हैं। हमारे निवेदन कृपया परीक्षित दिशा को महसूस कीजिएगा, अपनी तालियों से इसके गति को ऊर्जा अवश्य दीजिएगा। निश्चय कर अपनी जीत करो। से आते परेड कमांडर्स के हाथों में ध्वज, कदमों में भरा साहस और सहज को सूरज के साथ चलने का एहसास, सदी को विजित करने का उन्माद, तिरंगे को शीर्ष पर लाने का विश्वास, देश और माटी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की उच्चतम परंपरा। पराक्रम और गर्व के भाव चेहरे पर ये माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर मंच से गुजरते आज की परेड के परेड कमांडर कैप्टन जयंत और बटालियन अफसर रॉयल राइफल्स आपके साथ परेड सेक्रेटरी के आर्मी निरीक्षक सीआरपीएफ श्री संतोष कुमार आ गया। पंडित विशाल लाल की जय के उद्घोष से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता हुआ गढ़वाल राइफल्स का प्रथम दस्ता सूबेदार महेंद्र सिंह के नेतृत्व में वृत्तीय दल शांति में समृद्धि मुश्किलों पर विजय का एहसास दिलाता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नेतृत्व उप निरीक्षक नसीब सिंह के द्वारा। अगला दल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अभूतपूर्व वीरता की शान नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर विकास। निर्भय निष्पक्ष सत्यनिष्ठ हिमाचल प्रदेश पुलिस का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक खजान सिंह। अपने मजबूत इरादों अड़े हौसलों से भरी अगले प्लाटून महिला दल विहंगम नेतृत्व महिला उप निरीक्षक सुनीता चौहान के द्वारा। अगला दल सर्वत्र यश का परिचायक लाल पट्टिका धारण किए हुए पीएससी का दस्ता प्लाटून कमांडर श्री वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में। निष्काम सेवा के मनोभावों को प्रदर्शित करता होमगार्ड जवानों का दल प्लाटून कमांडर राम बहादुर मौर्य की अगुवाई में। अगला दल प्रांतीय रक्षा दल सर्वत्र यश का परिचायक नेतृत्व नेतृत्व कर रहे क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जितेंद्र वर्मा। और दसवां दस्ता है उज्जवल भारत का सबसे संजोए गौरव सेनानियों का नेतृत्व करता सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन सुधीर कुमार शाही।
पुलिस के गौरव मोड़ इतिहास पदवी उत्तराखंड पुलिस का अश्वारोही दल अपर उप निरीक्षक श्याम सिंह चौहान के नेतृत्व में। पुलिस विभाग को एक सूत्र में पिरोनी का कार्य प्रदर्शित करती दूर संचार विभाग की टुकड़ी उप निरीक्षक के बीच अमीर हुसैन के नेतृत्व में प्राणायाम सेवा महीने के मनोभावों को प्रदर्शित करता अग्निशमन दल लीडिंग फायरमैन दिगंबर प्रसाद के नेतृत्व में। झांकियों का क्रम प्रारंभ हो रहा है। झांकियों के क्रम में सबसे पहले उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड प्रदेश को और यानी के क्षेत्र में कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु बागवानी क्षेत्र के गौ के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की जलवायु विविधता के अनुरूप क्षेत्र आधारित अलग अलग खाद्य नीति अपनाना, अनुसंधान तकनीकी को बढ़ावा, विस्तारीकरण कृषि हम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना राज्य के छोटे उद्यमियों के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहित किए जाने के उत्पादन मौसम आधारित फसल बीमा योजना पालियों के साथ उद्यान विभाग का हम स्वागत करते हैं। विद्यालय शिक्षा विभाग बाल वाटिका वाटिका के रूप में विकसित किया गया है। शिक्षा की नीति के मूल अवधारणा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को मूर्त रूप देने के लिए प्री प्राइमरी से कक्षा तीन तक फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। एवं भारत का सपना सब बच्चे सीखे भाषा वगैरह बेस्ट वेट में टीवी के मरीजों को उचित खुराक प्रदान कर रहे हैं। तपेदिक के लक्षण छुपाए नहीं, जांच करवाए और उपचार दें। जांच एवं उपचार में शुरू करें। अग्र भाग में टीवी को हरा कर स्वस्थ हुए व्यक्ति हैं, इन्हें टीवी चैंपियन कहा जा रहा है। तालियों से इनका स्वागत। ड्रोन के माध्यम से उत्तर काशी या फिर सुदूरवर्ती स्थानों पर हमारे ब्लड सैंपल आवश्यक दवाएं भी प्रेषित की जा सकती है। चिकित्सा भी सदन सखी विवाह पालना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना और संपर्क वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत मिशन वापस बाल की देख रेख ये तो संस्थाएं दत्तक ग्रहण करना स्पॉन्सरशिप कोरोना काल में माता व पिता से छत्र छाया से विलग हुए बच्चों को मिशन वापस में सहायता दी जा रही है, आगे बढ़ाया जा रहा है। एक अन्य योजना तो दर्शाती है नारी शक्ति कदम से कदम मिलाकर चलती हुई हमारी झांकी में लखपति बन चुके हैं। तालियों से इनका स्वागत करें। 2025 तक 1,25,000 महिलाएं लखपति बनाएंगी। महिलाएं खुशी में झूम रही हैं, नाच रही हैं, क्योंकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बने उत्पादों का विक्रय जो कर रही है, ये नृत्य करती हुई झूमती हुई खुशी का इजहार कर रही है। उत्तरा इम्पोरियम प्रदेश भर के समूहों के द्वारा बने उत्पाद को विक्रय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 44,568 परिवारों को पक्के आवास दिए गए और इनका चयन का माध्यम सरोवर बन चुके हैं।
जल संरक्षण, मत्स्य पालन और आज प्रत्येक अमृत सरोवर में ध्वजारोहण डीडी के लोगों को आकर्षित करता है। योग ध्यान प्रकृति को प्रचुरता में दर्शाया जा रहा है। स्कीइंग के ढलान, पहाड़ियों में ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, ये आकर्षक मंजर दिखाई दे रहे हैं। हिमालय दर्शन परियोजना और दूरस्थ गांव जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रथम गांव के संज्ञा देते हैं। माणा को भी प्रदर्शित किया गया है। माणा में जरूर आना। इस टैगलाइन के साथ हम उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को विदा करते हुए तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वन विभाग, वन है तो जीवन है। विभिन्न आरक्षित एवं सिविल वनों से हम प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। तानियों के साथ हम वन विभाग का स्वागत कर रहे हैं। वैकल्पिक आय उपलब्ध कराना, जल संचय संवर्धन, वन पंचायतों को सुदृढ़ करना, आपात काल से कोविड के दौरान अन्य विभागों को सहायता देना, वन उत्पादों पर आश्रितों को हकों के माध्यम से जीवन निर्वाह में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ओडी ओपी के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा ओडी टीपी यानी एक जनपद दो उत्पाद, अल्मोड़ा में बाल मिठाई, चमोली गुलाब जल हथकरघा, देहरादून बेकरी मशरूम, नैनीताल एकांत फल प्रसंस्करण, पिथौरागढ़ राजमा, ओनी काली टिहरी पनीर और टिहरी नट, उत्तर काशी सेवा आधारित उत्पाद लाल चावल, बागेश्वर पांड्या के सामने से एक से बढ़कर एक विभिन्न विभागों के सुंदर और सुंदरतम झांकियों को का आनंद लिया। अब से कुछ क्षणों के बाद आपके सामने होंगे अपनी पाइप बैंड प्रस्तुति को लेकर 31वीं वाहिनी पीएसी महिला दल। जवान से उसका समर्थन